भारत की, भारत माता की, भारत माता की। ना तेलंगाना कुटुंब सभ्युलंदरिकी नमस्कारालो। आप सभी विकास के इस उत्सव में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभी से कुछ देर पहले मैंने तेलंगाना के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, मेहनत करने की कुछ आदत भी कम होती है और इसलिए बड़ी सरल भाषा में कह देते हैं कि ये तो चुनावी सभा है। मेरे भाइयों बहनों और मेरे कुछ साथी जो भांति भांति का एनालिसिस करते हैं, जरा समझो, ये चुनावी सभा नहीं है। चुनाव की तो अभी घोषणा भी नहीं हुई है। आज देश में विकास का जो उत्सव चल रहा है, उसमें मैं अपने तेलंगाना के भाइयों और बहनों के बीच ये विकास का उत्सव मनाने आया हूं। मेरी बात से आप सहमत है ना? सहमत है ना? इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, आप सहमत है ना? मैं हिंदी बोलूंगा तो चलेगा ना? क्योंकि मैं तेलुगु में भाषण नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये आपका प्यार है कि आप मेरी बात सुनना भी चाहते हैं, समझने का प्रयास भी करते हैं और फिर भी इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। साथियों, बीजेपी की केंद्र सरकार किस स्पीड से और कितने बड़े स्केल से विकास उत्सव मना रही है, ये बताने के लिए मैं आपको और देश को, और ये जो बार बार चुनाव चुनाव लिखते हैं ना, उनको खास मैं 15 दिन का हिसाब देता हूं। दे दूं आपको मेरा 15 दिन का हिसाब? दे दूं? देखिए 15 दिन में क्या क्या हुआ। 15 दिन में दो दो IIT, एक IIIT DM, 3 IIM और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS, इसके कैंपस का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में 5 एम्स का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई। 15 दिन में 18,000 कोऑपरेटिव के कंप्यूटराइजेशन के काम पर पूरा होने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में सिंदरी में देश के बड़े खाद कारखाने का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है।
15 दिन में रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। 15 दिन में ही ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़े 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। 15 दिन में ही केजी बेसिन में फर्स्ट ऑयल का लोकार्पण हुआ है। वहां से निकले कच्चे तेल के पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाई है। 15 दिन में ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट का उद्घाटन हुआ है। 15 दिन के ये काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। अब बताइए, ये विकास का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों के कल्याण का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों की भलाई का उत्सव है कि नहीं है? अरे चुनाव तो जब आएगा तब देखा जाएगा। मुझे तो देश को आगे बढ़ाना है। मैं सही बोल रहा हूं ना? अपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था, कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने नेने
नेने। साथियों, आखिर में मैं तेलंगाना के लोगों को, देश के अन्य लोगों का एक संदेश भी देना चाहता हूं और गर्व से भरे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर में सोने के दरवाजे हो या फिर मंदिर के स्तंभ, उनके निर्माण में तेलंगाना की भूमिका रही है और इसके लिए पूरा देश तेलंगाना के लोगों का आभार व्यक्त करता है। रामलला का आशीर्वाद पूरे तेलंगाना के लोगों पर है। हम विकसित भारत, विकसित तेलंगाना का लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि 2047-25 साल हमारे पास है, इतनी मेहनत करनी है, देश को दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में ला करके खड़ा रखना। हमारे मां बाप को तो मुसीबतों में जिंदगी गुजारनी पड़ी, लेकिन अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और इसलिए तेलंगाना, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका अपार प्रेम चाहिए, मैं आपका प्यार का भूखा हूं और एक सेवक के नाते आपको समर्पित हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। निलबड़ी, मन मन स्थानों निलबड़ी, मोदी गारी धन्यवाद चपाली। भारत माता की, भारत माता की, फिर एक बार भारत माता की।